हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास रेसिपी, भंडारे वाली सब्जी, जिसे देखकर तो सबके मुंह में पानी आ जाता है और सुनकर। तो उसके लिए 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें 2 चम्मच राई डालेंगे, 2 चम्मच छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे। इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब हम एक सूखा मसाला बनाने के लिए बढ़िया गीला सा सूखा मसाला लेते हैं। तो 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसे हम बढ़िया से पानी में मिक्स करके और कढ़ाई पे डालेंगे। इससे जो है तो इसका लुक अच्छा होगा, मसाला भी मेरा अच्छा से पक जाएगा। ये देखिए, इसे ऐसे ही कद्दू हमने छोटे छोटे पीसेज, ऐसे थोड़ा छोटे से बड़े पीसेज काट कर और चलाते हुए इसे 5 मिनट ढक कर चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ा सा हमने बैंगन भी डाल दिया है, क्योंकि हम भंडारे वाली सब्जी बना रहे हैं, इसलिए सब्जी तो कई प्रकार की मिक्स की जा सकती है और ऐड कर सकते हैं जैसा बनाना चाहें। थोड़ा सा हमने देखिए जो हलवाई स्टाइल है तो वो वाली स्टाइल में हम थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा मूंगफली उसको पानी में भिगो कर रख दिया है, उसका पेस्ट बनाकर इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे सब्जी का लुक और अच्छा आ जाएगा और टेस्टफुल भी रहेगा। और टमाटर जो है हमने बारीक काट लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च और आप जैसे खाना चाहते हैं वैसे हिसाब से आप डाल लीजिए, तीखा कम ज़्यादा। और 2 से 3 हरी मिर्च भी हमने काट लिया, उसे भी फिर बाद में ऐड कर देंगे। अब ये पेस्ट को चलाते हुए हम बढ़िया अच्छे से पका लेंगे। हरी मिर्च हमने पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये जल जाती है, इसे बाद में ऐड करिए और अच्छा इसका टेक्सचर आता है और स्वाद आता है हरी मिर्च का। अब इसे ऐसे ही ढक कर 5 से 10 मिनट एकदम लो फ्लेम कर पकाएंगे, जिससे कद्दू हमारा थोड़ा सा और अच्छा पक जाए। अब बीच बीच में ऐसे ढक कर और खोल कर ऐसे चलाते रहेंगे हम। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा अमचूर पाउडर 1 चम्मच, छोटे चम्मच में 2 चम्मच ऐड कर दीजिए, बड़े चम्मच में 1 चम्मच। और हमने थोड़ा सा ये देखिए आलू को उबाल कर रखा था, तो उसे पीसेज में काट लिया था 2 आलू को, तो 2 आलू में काट कर रख लिया, उसको अब डाल देंगे, चलाएंगे। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। अब इसे ढक कर फिर 5 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट बाद फिर इसे चलाएंगे, जिससे नीचे सब्जी लगे नहीं और अच्छे से हमारी सब्जी जो है पक जाए। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे इतनी सब्जी के लिए। और अगर आपको और ज़्यादा रसीली सब्जी चाहिए थोड़ा और ऐड कर दीजिए, अभी ये सब्जी पकेगी और थिक होगी। हम भंडारे वाली सब्जी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा रसीली सब्जी तो अच्छी लगती है। अब इसे ढक कर हम पकाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हमने और ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें रसीली सब्जी चाहिए थोड़ा। अब इसे 5 से 10 मिनट पका लेंगे और 5-10 मिनट बाद फिर इसे खोलकर देखेंगे। सब्जी में जो अगर देसी घी पड़ जाए ना, और अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दें, इससे टेस्ट और गजब का बढ़ जाता है। ये मेरे हिसाब से है, आप ऐसा करके देखिएगा। इसे फिर से 5 मिनट और पका लेंगे घी डालने के बाद। पांच मिनट बाद खोल कर फिर देखेंगे और इसे चलाएंगे। ये देखिए, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। बस ये 5 मिनट के लिए और रख दीजिए।
बस ये हमारी सब्जी जो है रेडी हो गई। इसमें धनिया की पत्ती बढ़िया डालकर और सर्व कीजिए। कभी ऐसे ही मन किया रहे तो ऐसी सब्जी बनाइए कम तेल मसालों में। ये सब्जी जो है रेडी हो गई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। अब बनाते हैं हम बनाना जूस।